वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के गोसाईपुर में सुबह 8 बजे ट्रैक्टर बाइक में टक्कर होने से बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्रीय लोगों ने आनंद फानंद में 2 लोगों को चोलापुर सीएससी पहुंचाया। स्थिति बिगड़ते देख वहां से दोनों लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जिसमें की 71 वर्षीय व्यक्ति की रास्ते में ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चेलाल अपनी बाइक से दवा के लिए दोनों लोगों को बैठाकर निकले थे। ये लोग ग्रौना कला इन लोगों का घर है, वहाँ से ये लोग जा रहे थे दवा दिलाने के लिए, आपका इलाज कराने के लिए जा रहे थे ये लोग। तो रास्ते में जब ये लोग पलही पट्टी पहुँचे हैं तो वहाँ बहुत तेज रफ्तार से ट्रैक्टर जो है, जो मिट्टी लदा हुआ था, ओवरलोडिंग करते हुए ट्रैक्टर जा रहा था, और ट्रैक्टर से इन लोगों को धक्का लग गया है। और धक्का लगने के बाद अगर वो ट्रैक्टर वाला चाहा होता तो रोक दिया अगर होता। ट्रैक्टर किधर से किधर जा रहा था? ट्रैक्टर जो है पलही पट्टी से सिटी की तरफ, शहर की तरफ, शहर की तरफ जा रहा था। ये कितने भी घटना है? करीब सुबह 8 बजे की, सुबह 8 बजे की है। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? 2 लोग घायल हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु हो गई है। और इन्हें कहाँ भर्ती कराया गया? इन लोगों को पहले लाया गया है या वहाँ से मौका स्थल से इन लोगों को चोलापुर ले जाया गया है, फिर तो चोलापुर से रेफर कर दिया गया है यहाँ दीनदयाल के लिए। दीनदयाल आते आते 1 लोगों की मृत्यु हो गई है, और 2 लोग बच्चे लाल और अमरावती देवी, 2 लोग जो घायल थे उनको जो है ट्रामा सेंटर के लिए यहाँ से रेफर कर दिया गया है। बेचूर जी, बेचूर ट्रामा सेंटर।